अब्दुल्ला भाई गुप्ता जी कहाँ बैठे सबने। लड़ूंगा हाँ लड़ूंगा अभी भैया बीस रुपए जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे जेल 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 के अंदर क्या दो साल के घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? दो साल जेल में रहे आप शायद वो भी बेहतर होगा जो हमारे क्या आज भी एक बेगुनाह इंसान को एक बेगुनाह इंसान जो 9 बार विधायक रहा हो दूसरी बार का सांसद हो 4 बार सरकार में मंत्री रहा हो नेता विपक्ष रहा हो वो भैंस चोरी और चोरी के मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है लेकिन आजम खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में है। विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहेगी क्योंकि अभी तो आप जेल के अंदर थे आपने जेल से खबरें सुनी होंगी कि कई दिनों से अखिलेश जी का गठबंधन हो गया जेल के अंदर बाहर के माहौल की सबसे ज्यादा जेल में जो भी कुछ बाहर होता है क्योंकि जेल के लोग भी तो बाहर से ही अंदर आते हैं और जब बेगुनाह लोग फर्जी मुकदमों में फंस कर आते थे और वहीं जेल में मिला करते थे तो ये कहते थे कि बस 10 मार्च का इंतजार करो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा 200% आजम जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं अपनी दुआएं दी हैं अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं तो खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने बेरोजगारों की नौजवानों की आवाज बने। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हम दोबारा बहुमत से सरकार बनाएंगे। चलिए अब आपके साथ स्वामी जी आ गए हैं क्या?